साल 2003 में आई ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म कोई मिल गया के जादू को हर बच्चा याद करता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि उस एलियन को डिजाइन करने के लिए राकेश रोशन ने अपनी नातिन से सुझाव लिया था? जी हाँ, देखिए क्या है पूरा किस्सा। नातिन को कार्टून देखते आया फिल्म का विचार। राकेश रोशन बोले, एलियन के हुलिये को डिजाइन करना सबसे चैलेंजिंग था। ऑस्ट्रेलिया से आए थे आर्टिस्ट। फिल्म कोई मिल गया को रिलीज हुए 20 साल होने को हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट एलियंस पर बेस्ड था। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन के मुताबिक एक कार्टून की वजह से उनके दिमाग में फिल्म बनाने का आइडिया आया था। राकेश के मुताबिक एक बार उनकी नातिन कार्टून देख रही थी। उस कार्टून में एलियंस दिखाए गए थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी नातिन से पूछा तो उसने काफ़ी विस्तार से उन्हें इस एलियंस के बारे में समझाया। राकेश ये देखकर वाकई चौंक गए कि एक छोटी सी बच्ची को साइंस फिक्शन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है। उन्होंने तभी इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की सोची। राकेश रोशन के मुताबिक फिल्म में सबसे चैलेंजिंग काम एलियन के हुलिये को डिज़ाइन करना था। इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने दो ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट से संपर्क किया। राकेश रोशन ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मैं चाहता था कि फिल्म में एलियन ऐसा हो जिसे देखकर बच्चे डरे ना, जो बच्चों के समान हाइट वाला हो। मैं चाहता था वो ऐसा हो जिसकी आंखें एक्सप्रेसिव हो। फिल्म में आप देख सकते हैं कि जादू आंखों से ही बात करता है। दोनों ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट ने राकेश रोशन को एलियन के हुलिये वाला एक स्केच दिखाया। राकेश रोशन वो स्केच काफ़ी पसंद आया। उन्होंने मन ही मन कहा, जादू मिल गया। राकेश ने कहा कि उन्होंने जब ऋतिक को यह आइडिया बताया तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। हालांकि फिल्म में उनका रोल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। राकेश ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि ऋतिक को 5 बच्चों के साथ काम करना था। उन्हें इसके लिए फिट होना था। उन्होंने पूरी रिसर्च की, कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गए। बच्चों के बीच वे भी बिल्कुल बच्चे बन गए। एक फिल्म मेकर यही देखना चाहता है कि उसका एक्टर 100 से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। राकेश ने आगे कहा, कोई मिल गया के जरिए पहली बार हम सुपर हीरो टाइप फिल्म बना रहे थे। हमारे पास पहले से कोई एक्सपोजर नहीं था। उस वक्त तक इंटरनेशनल मार्केट में ही सुपर हीरो वाली फिल्में बनती थी। इंडियन ऑडियंस को उस वक्त ऐसी फिल्म देखनी थी जिसके साथ उन्हें सुपर हीरो वाला मज़ा भी आए और उसके साथ इमोशनली कनेक्ट भी हो जाए। क्रिश भी इसी वजह से ब्लॉकबस्टर हो पाई थी क्योंकि वो एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी थी जिसका दिल अंदर से काफ़ी नरम था। राकेश रोशन ने फिल्म को ऑडियंस के लिए रिलीज करने से पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी दिखाया था। उन्हें डर था कि 10 में से 6 लोग फिल्म के बीच में ही उठकर चले जाएंगे। उन्होंने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि एक पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के बीच में ही थिएटर से बाहर आ गया। मुझे लगा इसे फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन उसने आकर मुझे गले लगा लिया और कहा, आपने क्या गजब फिल्म बनाई है। मुझे लगा अगर ये फिल्म पंजाबी को पसंद आई तो सबको अच्छी लगनी ही है।